नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों में तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि राजस्थान के दो विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें नागौर जिले से क्यूंसर सीट है और झुंझुनू जिले के मंडावा सीट है, जहाँ पर 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है। इसी के साथ ही सारी पार्टियों में अपने प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। साथ ही सभी पार्टियों के उम्मीदवार भी अपने प्रचार में जुट गए हैं, जिसके तहत हरेंद्र मिर्धा ने आज खेउसर में प्रचार किया, जहां पर हरेंद्र मिर्धा का कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता ने स्वागत किया। मिर्धा सुबह जयपुर से रवाना हुए थे, जो कि खरनाल, मोंदियाड़, संकवास, ग्वालू, खजवाना, कुचेरा आदि गाँवों का दौरा किया, जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मिर्धा के लिए जोश देखा गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया कि हरेंद्र मिर्धा को इस बार खेउसर से उपचुनाव जिताएंगे। हरेंद्र मिर्धा आज जयपुर से सीधे खेउसर आए और खेउसर के कई जगहों पर दौरा किया और चुनाव प्रचार शुरू किया। गांवों के दौरों में हरेंद्र मिर्धा के साथ कांग्रेस नेता सहदेव चौधरी, कुचेरा चेयरमैन तेजपाल मिर्धा भी शामिल थे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से खेउसर से हरेंद्र मिर्धा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, वहीं मंडावा से रीटा चौधरी का नाम पर मोहर लग सकती है। दूसरी ओर आरएलपी और बीजेपी में गठबंधन तय हो गया है, जिसके तहत नारायण बेनीवाल को प्रत्याशी उतार सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।